सबको मेरा वॉइस आ रहा है? इज एवरीथिंग क्लियर? चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का क्लास। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ प्रवीण पटवारी एंड हमने पहले दो क्लास में कहाँ तक किया था? कल हमने क्या स्टार्ट किया था? कल हमने किया था गामा इंटीग्रेशन तक किया था, राइट? यस सर। ओके, तो हमने किया, सबसे पहले हमने समझा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, राइट? तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? इट टेक्स द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू डिसाइड अपॉन इट्स वैल्यू। हमने नंबर्स एसोसिएट किया विथ ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। ये हमारा रैंडम वेरिएबल का बेसिक था। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, हमने डिस्क्रीट में भी कुछ क्वेश्चंस किए। हमने कंटिन्यूअस का जस्ट स्टार्ट किया था पीडीएफ। एंड कंटिन्यूअस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एक रेंज में डिफाइन होता है ना? बट डिस्क्रीट में क्या होता है? उसी पॉइंट पे डिफाइन होता है, ठीक है? ओके, तो आज हम लोग चालू करेंगे क्यूम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन केस ऑफ सीआरवी। सीआरवी का मतलब क्या हो गया अपना? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है? अपने को निकाल, देखो स्मॉल एफ मतलब पीडीएफ, कैपिटल एफ मतलब सीडीएफ। अपने को निकालना है कैपिटल एफ एक्स, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो इसको अपने कैसे कर सकते हैं? इंटीग्रेट करेंगे अपन स्टार्ट से एक्स में एफ एस जी एस, जो भी स्टार्टिंग रेंज है वहां से लेके एक्स तक इंटीग्रेट करेंगे। याद आ रहा है जनरलाइज एक्सप्रेशन जैसे सीएमएन में अपने करते थे? तो बहुत सिंपल है, अपने को क्या करना है, जहां से जहां तक बोलेगा वहां से वहां तक इंटीग्रेट करेंगे। अब इसी का एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल से पहले, कंटिन्यूअस में ये पीडीएफ है और ये सीडीएफ है। जब पीडीएफ से सीडीएफ जाएंगे तो अपने करेंगे इंटीग्रेट, और जब सीडीएफ से पीडीएफ में आएंगे तब अपने करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक? ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज, एफ एक्स मान लो तुम लोग का दिया हुआ है 5e-5x। एक्स अपने को दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है? तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने को मान लो कैपिटल एफ एक्स अगर निकालना है, अपने करेंगे स्टार्टिंग रेंज विच इज 0 से लेके एक्स में इंटीग्रेट 5e-5sds। तो अपना 5 आ जाएगा बाहर, e-5s/-5, 0 से x, 5 और 5 कट जाएगा तो माइनस आ जाएगा बाहर, e-5x-0 is 1। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? सो ये हो जाएगा 1-e-5x। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? जब भी अपने को कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेगा, जब भी अपने को कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेगा और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में अपने को बोलेगा कि आप सीडीएफ निकालो, विच इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो अपने इंटीग्रेट करेंगे। और अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बोलेगा तो जहां से जहां तक का प्रोबेबिलिटी बोलेगा वहां से वहां तक अपने क्या करेंगे? इंटीग्रेट, ठीक है? यहां तक सबको ठीक है? अब ये तो हमने पीडीएफ से इंटीग्रेट करके सीडीएफ बनाया। अब एक काम करते हैं, इसी को अपने डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं अपना क्या आ रहा है। तो अपने करते हैं डीडीएक्स ऑफ 1-e-5x। सो माइनस डीडीएक्स ऑफ e-5x, ठीक है? तो माइनस आया e-mx का क्या होता है? m e-mx। सो माइनस 5 e-mx
फाइव एक्स विच इज फाइव ई टू दी पावर माइनस फाइव एक्स. सो हमने ये बोल सकते हैं ना दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. यहां तक कॉपी कर लीजिए सब लोग. यहां तक सबको ठीक है? हाँ या ना बताओ. अब देखो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स अपना आया है वन माइनस ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स. अगर अपने को बोलता है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन एक्स निकालो तो अपने क्या करेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स. अरे लेस देन इक्वल टू है और अगर ग्रेटर निकालना है तो क्या करेंगे, वन माइनस लेस. तो क्या आएगा, वन माइनस ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स. तो क्या होगा बताओ, फाइव सॉरी ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बोलो हाँ या ना. अब अपने जब एफ एक्स निकल गया ना, अब अपने वैल्यू पुटिंग सीखते हैं कि वैल्यू पुटिंग कैसे कर सकते हैं. अब अपने देखेंगे अपने वैल्यू पुटिंग कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना. तो वैल्यू पुटिंग में अपने को क्या करना है, अब जैसे मान लो अपने को एफ थ्री निकालना है विच इज प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री. तो इसका मतलब क्या है, वन माइनस ई टू द पावर माइनस फाइव इंटू थ्री. इज इट क्लियर. सिमिलरली मान लो अपने को एफ फाइव निकालना है तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव होगा. तो दिस इज वन माइनस ई टू द पावर माइनस फाइव इंटू फाइव. ठीक है. अब जैसे मान लो अगर अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन टेन, सो दिस विल बी ई टू द पावर माइनस फाइव इंटू टेन. अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी थ्री एक्स फाइव, मैंने तीन या फिर उससे बड़ा, पांच या फिर उससे छोटा. तो अपने क्या करेंगे, पहले पूरा लेस देन इक्वल टू फाइव लेंगे, माइनस करेंगे वो पार्ट जो मेरे को नहीं चाहिए, तीन से कम वाला पार्ट मेरे को नहीं चाहिए. एंड कंटिन्यूअस में लेस देन इक्वल टू में कोई फर्क नहीं होता है. कंटिन्यूअस में लेस देन और लेस देन इक्वल टू में कोई फर्क नहीं होता है. ठीक है. सो दिस इज एफ फाइव एंड दिस इज वॉट एफ थ्री. सो यहां पर क्या आएगा, वन माइनस ई टू द पावर माइनस फाइव इंटू फाइव माइनस वन माइनस ई टू द पावर माइनस थ्री इंटू फाइव. तो अल्टीमेटली क्या आएगा बताओ, ई टू द पावर माइनस फिफ्टीन माइनस ई टू द पावर माइनस ट्वेंटी फाइव. यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? बोलो भाई. इसी क्वेश्चन में एक और चीज देख लो. अगर मान लो अपने को इसको नॉर्मल मेथड से करना हो तो अपने कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तीन से पांच एफ एक्स जी एक्स यही करेंगे ना. अरे जहां से जहां तक प्रोबेबिलिटी मांगा है वहां से वहां तक इंटीग्रेट करेंगे. सो तीन से पांच एफ एक्स जी एक्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, तीन से पांच फाइव ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स डी एक्स. हाँ या ना बोलो. हाँ या ना भाई बता. ठीक है तो ओके. तो अपने यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, फाइव अपना आ जाएगा बाहर, ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स बाय माइनस फाइव थ्री से फाइव, राइट? तो माइनस ई टू द पावर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ई टू द पावर माइनस फिफ्टीन. सो ई टू द पावर माइनस फिफ्टीन माइनस ई टू द पावर माइनस ट्वेंटी फाइव. यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? अब जैसे मान लो अगर तुम लोग को ये तो समझ में आ गया, एक नोट में लिखो, एक नोट में लिखो, जब स्मॉल एफ एक्स देगा तब इंटीग्रेट करेंगे, करेक्ट है?
हाँ या ना? जब स्मॉल एफ एक्स देगा तब इंटीग्रेट करेंगे, जब कैपिटल एफ एक्स देगा तब क्या करेंगे, जल्दी बताओ। हाँ नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जब कैपिटल एफ एक्स देगा मतलब क्या दिया है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है। जब स्मॉल एफ एक्स देगा तब इंटीग्रेट करेंगे किस चीज के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। और जब कैपिटल एफ एक्स देगा, वेरी वैल्यू पुट करेंगे। गुड, तब वैल्यू पुटिंग करेंगे। ठीक है बोलो। वो डिस्क्रीट के केस में, कंटिन्यूअस में अगर आपको सीडीएफ देगा तो बहुत अच्छा चीज है, आपको खाली वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा उसमें। हाँ नहीं मतलब आपको सीडीएफ अगर मिल जाएगा तो आपको बार बार इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है, यहां तक सबको ठीक है। अब हेडिंग लगाओ, मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, एक चीज देखो, एक एग्जाम्पल लिखो सबसे पहले। एवरेज सेल्स ऑफ अ फर्म इज 40 करोड़। एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड मीन इज 12 करोड़। एक बात समझना, मीन एंड वेरिएंस का मतलब क्या होता है। ऑन एन एवरेज एक फर्म का कितना सेल्स होगा, दैट इज 40 करोड़। बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 40 का 40 रहेगा, वो 40 का 50 भी हो सकता है, 50 का 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 40 का होने को तो 20 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बट अपने जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन कितने का है। ठीक है, तो एवरेज जो फ्लक्चुएशन है अपना, वो अपना है 12 करोड़ का। सॉरी, एवरेज जो फ्लक्चुएशन है वो है अपना 12 करोड़ का। इसका मतलब क्या है, ये 12 करोड़ का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज आपका जो फर्म का जो सेल्स रहेगा वो रहेगा 40 माइनस 12 से लेके 40 प्लस 12, कितना आता है बताओ, 28 से 52। बट ऐसा जरूरी है क्या कि 52 से ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है। 28 से नीचे नहीं जा सकता है, जा सकता है। बट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बोलता है कि ऑन एन एवरेज मीन के अराउंड में फ्लक्चुएशन कितना होगा, 12 करोड़ का। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो एक बार। सारा क्लास कर लिया A to Z। कल वाली आती रहेगी और तुम्हारा एनविटी तो कल किया था। कोई भी डाउट मैं एक बार बोल दी। ठीक है, एक काम कर, हेडफोन लाए, आज वहां बैठ के CM1 का ही क्लास कर। ठीक है, अब देखो देखो, तो हेडिंग लगाना एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। अपने जब बोलते हैं ना 2 3 4 का मीन, मीन मतलब एवरेज, अपने क्या करते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, यही करते हैं ना अपन। तो
इसका मतलब क्या है देखो, इसको अगर अपने ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 × 1/3, 3 × 1/3, 4 × 1/3, ये इसका मतलब होता है। माने अपने क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है तो तीनों को क्या मान के चल रहे हैं, इक्वल वेट्स मान के चल रहे हैं। तीनों में अपन इक्वल वेट्स मान के चल रहे हैं, 2 में भी 3 में भी 4 में भी। बट यही अगर मैं बोलूं कि जो फर्म का सेल्स है वो 20 करोड़ होगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 40%, 30 करोड़ होगा इसका प्रोबेबिलिटी है 30%, एंड 40 करोड़ होगा इसका प्रोबेबिलिटी है 30%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब अपना जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है कि अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। अब कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, तो अपने क्या करेंगे, 20 × 40%, 30 × 30%, एंड 40 × 30%, वहां से अपना एक एवरेज आएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है, ये आएगा 8, ये आएगा 9 और ये आएगा 12, 29। अब फॉर्मूला लिख लो, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज व्हाट, समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। समझा, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी। अब यही मान ले, अगर अपने को ये पहले अपने डिस्क्रीट का कर रहे हैं, ठीक है, ये पहले अपने डिस्क्रीट का कर रहे हैं, यही मान ले अपने को अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो अपने कैसे कर सकते हैं बताओ, समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं होगा, वैल्यू का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर मान ले एक्स क्यूब निकालना होगा तो क्या होगा, समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स क्यूब इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, डॉट 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 डॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर अगर होगा तो समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर आर इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। यही चीज अगर अपन कंटिन्यूअस में करेंगे तो सम विल बिकम व्हाट, यही चीज अगर अपने कंटिन्यूअस में करेंगे तो सम क्या बन जाएगा, ये जो सम है ये क्या बन जाएगा, यही चीज अगर अपने कंटिन्यूअस में करेंगे तो सम क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। आंसर तो तुम लोग के सामने ही है, यही चीज अगर अपने उसमें करेंगे, कंटिन्यूअस में करेंगे, ये तो अपने डिस्क्रीट में करे थे। अब जैसे देखो, इसके बगल में लिख लो कंटिन्यूअस तो प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम ही चीज आएगा, बट ये चीज किस में आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है, हाँ, डॉट डॉट, इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर आर इंटू एफ एक्स डी एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर। मैंने देखो, बहुत बेसिक चीज है, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी का सम, ठीक है। तो कॉपी हुआ था क्या वाला सबका, यहां तक सबका कॉपी हो गया, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक काम देता हूं, ये एक्स है और यहां पर है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और जब अपने डाइस थ्रो करते हैं तो क्या होता है, सबका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सेम होता है ना, 1/6, 1/6 होता है ना, सब लोग कैलकुलेटर निकालो,
आप लोग को निकालना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब। चलो निकालो, ट्राई करो।
ओके तो बताइए कितना कितना आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1/6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 6 × 1/6 1² × 1/6 2² × 1/6 6² × 1/6 ठीक है 1³ × 1/6 प्लस डॉट 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 प्लस 6³ × 1/6 ये ठीक है बेसिक वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अब इसी रेंज में आपको कुछ भी बोलेगा तो आप उस वैल्यू का स्क्वायर क्यूब टू द पावर 4 को प्रोबेबिलिटी को कभी मत करना ठीक है अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ठीक है उसके बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट ठीक है अब जैसे मान लो 2, 3 और 4 इसका मीन क्या आएगा बताओ 3 आएगा सबको डबल कर देते हैं 4, 6 और 8 तो इसका मीन क्या आएगा 6 तो मीन पूरा डबल हो गया इसलिए कॉन्स्टेंट इनटू वेरिएबल एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट 2, 2, 2, 2 इसका मीन क्या आएगा 2 आएगा क्लियर है कॉपी कर लो इसको चलो अब इसके बाद में ये वाला हुआ अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लगाना अब जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 का अगर अपने को स्क्वायर निकालना है तो अपने क्या कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 का स्क्वायर सो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x² + 4x+1 So 4× expectation of x² + 4× expectation of x+1 Is it clear? ठीक है ठीक है एक और है हेडिंग लगाना बीटा इंटीग्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा इंटीग्रेशन तो बीटा इंटीग्रेशन में क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से 1 x^(a-1) 1 माइनस x^(b-1) dx लिमिट्स देखो गामा इंटीग्रेशन में क्या था कौन बताएगा गामा इंटीग्रेशन में क्या था 0 से ∞ अभी क्या है 0 से 1 तो इसको बोलेंगे गामा ए गामा बी बाय गामा ए प्लस बी इज इट क्लियर यस और नो
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज ए माइनस वन का फैक्टोरियल बी माइनस वन का फैक्टोरियल बाय ए प्लस बी माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अब मैं आपको एक सम दे रहा हूं, आपको सम बनाइए। क्वेश्चन लिखो, x दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x दिया हुआ है, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, तो यहां आ जाएगा वन बाय सिक्स, यहां आ जाएगा p, यहां आ जाएगा वन बाय फोर, यहां आ जाएगा p और यहां आ जाएगा वन बाय सिक्स, ठीक है ना, ये अपने को दे दिया है। सबसे पहले तो आपको p का वैल्यू निकालना है, तो p का वैल्यू क्या होगा, सबका सम इज वन, तो क्या हो जाएगा वन बाय सिक्स प्लस पी प्लस वन बाय फोर प्लस पी प्लस वन बाय सिक्स इज इक्वल टू वॉट वन, कैलकुलेट करिए इसको। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ पी का वैल्यू, सब लोग कैलकुलेटर निकाल के काम करेगा, फाइव बाय ट्वेंटी फोर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये तो हो गया, अब इसके बाद में आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस टू, एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। चलो पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको करके दिखाओ। चलो स्टार्ट करो।
हाँ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टू एंड यहां पर आएगा टू इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस फाइव। अब कैसे करेंगे ध्यान दो, अब इसमें जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो आपका जीरो आ रहा होगा क्योंकि जो माइनस में वही प्लस में है एंड जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकाला होगा आपने, सो माइनस टू का स्क्वायर इंटू वन बाय सिक्स, माइनस टू का स्क्वायर हो चाहे टू का स्क्वायर हो बात तो बराबर ही है, तो इसको इंटू टू कर देते हैं। फिर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, ऐसे लिखना मत एग्जाम में, बस खाली मैं शॉर्ट में करके बता रहा हूं, माइनस वन का स्क्वायर इंटू पी इंटू टू कर देते हैं और जीरो वाला जीरो हो जाएगा, तो कितना आ रहा है बताओ फाइनल आंसर इस वाले का, बताओ इस वाले का सेवन बाय टू तो नहीं आएगा, सेवनटीन बाय टू, सेवनटीन बाय टू फाइनल आ रहा है क्या? हाँ सेवनटीन बाय टू आएगा, इसीलिए नहीं नहीं, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सर सुन रहे हैं कि कौन सा गाना बज रहा है। अरे एक्चुअली दिस एरिया इज, इसलिए चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज टू इंटू वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर इज टू बाय आर प्लस वन आर प्लस टू, ये आपको प्रूविंग करना है। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, इसको कैसे निकाल सकते हैं।
करो भैया कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपने को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन 0 से 1 2 इंटू एक्स टू दी पावर आर 1 माइनस एक्स dx, अरे एक्स टू दी पावर आर इंटू एफ एक्स dx ना, क्योंकि कंटिन्यूअस है रेंज दिया है बोल के, इंटीग्रेशन ओवर दी रेंज ऑफ x, x टू दी पावर r इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो x टू दी पावर r इंटू x टू दी पावर r इंटू टू वन माइनस x, टू इंटू वन माइनस x क्या है? PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमने क्या पढ़ा था एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू दी पावर r का फॉर्मूला, ये देखो यही तो है ना, और क्या है भाई बोलिए, हाँ या ना, अरे कुछ बोल ही नहीं रहा, हाँ या ना बोलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर इज व्हाट, इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर आर इनटू एफ एक्स डी एक्स, वही तो किया है, और एक बार बीटा इंटीग्रेशन आपको रिवाइज करा देता हूं, बीटा इंटीग्रेशन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन, अरे बोलो, वेरी गुड, वैष्णवी ने आंसर दे दिया, 0 टू 1 x टू द पावर a माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर b माइनस 1 dx, गामा a गामा b गामा a प्लस b, क्लियर है, हाँ या ना, चलो इसको सॉल्व करो, अब सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व कर लो, हाँ 2 तो आ जाएगा बाहर, 0 से 1 x टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि है तो x टू द पावर r ना, अपने को करना है समथिंग माइनस 1 के फॉर्म में, अपने को तो करना है समथिंग माइनस 1 के फॉर्म में, तो प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा, एंड यहां पर आएगा 1 माइनस x टू द पावर 2 माइनस 1 dx, तो मेरा a क्या है, r प्लस 1, b क्या है 2, एंड a प्लस b क्या है r प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 गामा r प्लस 1 गामा 2 बाय गामा r प्लस 3, हाँ या ना, जल्दी बोलो भैया, सो दिस इज 2 इंटू r फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल बाय r प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बताइए, r फैक्टोरियल और नीचे में है r प्लस 2 का फैक्टोरियल, सो 2 इंटू r फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2, तो अब क्या क्या कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, तो क्या बच जाएगा बताओ, 2 बाय r प्लस 1 r प्लस 2, यही अपने को प्रूविंग करना था, क्लियर है, रिवाइज करिए यहां तक, रिवाइज करो यहां तक, क्या चीज, बट मैंने आपको निकालने क्या बोला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू दी पर आर निकालने बोला है ना, देखो इस केस में ये जो अपना पीडीएफ है ठीक है, अब यही मान लो अगर आपको निकालने बोलता एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो अपने क्या करते, इंटीग्रेटिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, अपने को तो एक्स टू दी पावर आर निकालने बोला है ना, तो एक्स टू दी पावर आर इंटू पीडीएफ, क्लियर है, कॉपी कर लो इसको, समझ में आया, अब आपको क्या करना है, अभी मेन आपका काम चालू होगा, अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा,
अब आप निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x+1 का स्क्वायर और ऊपर का रिजल्ट आपको यूज करना है, ऊपर का रिजल्ट आपको यूज करना है। तो ध्यान देना, एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x² + 4x+1, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x² + 4x+1। सो अपना क्या आएगा, 4 × x² + 4 × x+1। अब अपने को ना एक जनरल फॉर्म पता चल गया है x^r से, वो है 2 r + 1 × r + 2। अब आप क्या करोगे, जब आप r के जगह में 1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो ये आएगा 2 by 1 + 1, 1 + 2। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ रहा है, 2 by 2 × 3 विच इज 1/3। एक बात बताओ, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, आर के जगह पे 2 डालेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सॉल्व करिए। ठीक है, सो दिस इज 2/3 × 4। क्या आएगा इसका आंसर, 1/6। अभी तो हम खत्म नहीं हुआ, फाइनल सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताइए मेरे को, मैं टाइम दे रहा हूं आपको सॉल्व करने का, फाइनल आंसर बताइए मेरे को। अपना आंसर कितना आ रहा है, 3। सबका आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान देना, ये वाला समझ में आया सबको वाला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, या फिर रुको पहले एक बार वेरिएंस समझ लेते हैं, हेडिंग लगाना वेरिएंस। ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस, मेरा बात ध्यान सुनना, वेरिएंस का मतलब क्या पहले समझो, वेरिएंस का मतलब है, लिख दो, इट मेजर्स द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू माने एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, मीन, उसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, एंड सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर। अपने क्या कर रहे हैं, लिखो हिंदी में, मीन से डिविएशन, मीन से डिविएशन, मीन से डिविएशन का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस म्यू।
अब ये जो डिविएशन है ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लिखो डिविएशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। मैं क्या बोला, मीन से डिविएशन, डिविएशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिविएशन। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव का सेट ऑफ इफेक्ट को हटाने के लिए, पॉजिटिव इफेक्ट का, पॉजिटिव नेगेटिव का सेट ऑफ इफेक्ट, समझो डिविएशन निकाला, आया माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, तो सबका सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा ना, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव का जो सेट ऑफ इफेक्ट है उसको हटाने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव का सेट ऑफ इफेक्ट को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं बताओ, स्क्वायर। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, ये स्क्वायर कर रहे हैं एंड देन उसका एक्सपेक्टेशन, इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस का जो अच्छे से समझा दिया ना भाई, व्हाट इज लॉ ऑफ लार्ज, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, तो बोलेगा भाई हमको तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, बोलेगा गेट आउट। पहले देखो क्या निकाले, पहले निकाले डिविएशन, फिर के डिविएशन का स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर उसका एवरेज। तो वेरियंस को अपने क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना, यहां तो कॉपी हो गया ना, वेरियंस इज वॉट, एवरेज डिविएशन स्क्वायर। हाँ, डिविएशन का स्क्वायर का एवरेज, डिविएशन निकाले एक्स माइनस म्यू, उसका स्क्वायर किए उसका एवरेज, तो वेरियंस इज एवरेज डिविएशन स्क्वायर, तो वेरियंस इज ए स्क्वायर मेजर, तो इसलिए उससे उतना यूजफुल रिजल्ट नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स विच इज रूट अंडर वेरियंस। याद है एकदम स्टार्टिंग में जो बोले थे, मीन इतना है और स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन का जो मतलब है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, ठीक है, वेरियंस इज अ स्क्वायर मेजर, इसीलिए उसका रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, ये सबको क्लियर हो गया। अभी एक प्रूविंग देखेंगे जो एग्जाम में बहुत आता है, अब ये जो है ना, ये जो अपने यहाँ पर लिखे हैं, अब इसको अपने ब्रैकेट्स खोल के इसका प्रूविंग देखेंगे, पहले यहां तक पहले कॉपी कर लो, ये सब कॉपी हो गया सबका, डन है यहां तक का कॉपी पूरा डन है, ओके अब आओ यहां तक कॉपी कर लिया। अब देखो अपने क्या बोले, वेरियंस ऑफ एक्स इज वॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, अब इसको एक काम करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स म्यू प्लस म्यू का स्क्वायर। एक बात समझ लेना, म्यू का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन, पूरा दुनिया में जितना भी लोग अभी इस सेकेंड पे प्रेजेंट है उन सबका आई क्यू का एवरेज, ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, कांस्टेंट, बट ये कांस्टेंट है लेकिन क्या हुआ, अपने को तो पता नहीं है ना कि ये कांस्टेंट तो है लेकिन पता नहीं है ना, पूरा दुनिया में इस सेकंड में जितना भी लोग प्रेजेंट है उन सब का आईक्यू का एवरेज, पूरा दुनिया में अभी जितना भी लोग प्रेजेंट है सबका वेट का एवरेज, समझा ना, तो ये तो कांस्टेंट होगा बट अननोन होगा, इसीलिए बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर कांस्टेंट बट अननोन, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करके हम लोग सैंपल्स ड्रॉ करते हैं और पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने का ट्राई करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहां से क्या होगा, जब जब म्यू आएगा ना बाहर आ जाएगा, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस, अगर म्यू कॉन्स्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट होगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन से, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज वॉट, कॉन्स्टेंट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और हम लोग ने क्या देखा था, माइनस टू म्यू इन टू म्यू, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वॉट, मीन विच इज म्यू प्लस म्यू का स्क्वायर,
which is expectation of x square minus mu square. इसी को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, which is equal to expectation of x square minus expectation of x का whole square. और इसको हम लोग sigma square भी बोलते हैं. x square का expectation minus expectation of x का whole square. बहुत ही important formula है ये, बहुत ही important formula है ये, बहुत काम आएगा आपके exam में आपको ये formula. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है. सबको क्लियर है ऑनलाइन में? यस नो फटाफट से बताइए. देखो ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना. चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे. इसका प्रॉपर्टीज एक बार लिख लो. वेरिएंस कांस्टेंट का जीरो होगा. कैसे मैं बता रहा हूं, टू 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 टू, पांच बार टू है तो इन सब का मीन क्या होगा, टू. अब तुम डिविएशन निकालेगा सबका क्या आएगा, जीरो. तो वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट स्क्वायर होके बाहर आता है वेरिएंस से. कांस्टेंट जो है वो स्क्वायर होके बाहर आता है वेरिएंस से, ये बात याद रखना. ठीक है, जो कांस्टेंट होगा वो स्क्वायर होके बाहर आएगा. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आओ. और अगर ऐसा आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस जीरो, बिकॉज वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. ठीक है, यस चलो आ जाओ. कल सेम टाइम पे क्लास है, चार से छह, छह से आठ. ठीक है ना, क्या? हाँ, क्यों भैया कल शादी है क्या? सर अपना बताएंगे, मैं अपना बताऊंगा. हम लोग हैं ऐसे भाई भाई, तो क्या हुआ, अपना अपना है भाई. पैसा में कोई भाई बहन नहीं भाई, एकदम क्लियर है.
एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम किसी के लिए कितना भी कर दो लेकिन सामने वालों को जचेगा नहीं, एक्सपेक्टेशंस। हाँ कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता है, तुम किए जाओ किए जाओ किए जाओ, सामने वाला बोलेगा क्या किया तुम्हें मेरे लिए आज तक, कभी मम्मी पापा पे गुस्सा कभी आएगा, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, हम लोग के हिसाब से कुछ नहीं किया लेकिन वो लोग के हिसाब से बहुत किया है, ये सब एक्सपेक्टेशंस भाई। कोई एक दूसरे का रिलेशनशिप में तो कभी मीट ही नहीं होगा भाई, कभी जीवन में मीट नहीं होगा, मैंने एक वो कनेक्टिंग पॉइंट कभी आएगा ही नहीं, मेरे को नहीं लगता कभी आता होगा। चलो आओ भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो उसको बोला है, बोला पकाएगा भी है अभी, वो बोला है उसको, तुम बोला है अभी उसको। हाँ अरे भाई मेरा कान और आंख बहुत तेज है, कॉलेज का टीचर थोड़ी जो तुम कुछ भी बोल के निकल जाएगा, सब सुनते हैं। चलो आओ, अपने को क्वेश्चन में कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है, विच इज 1 - 1 + x e to the power - x, ठीक है, तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, फिर तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स 1 से 3 के बीच में है, फिर तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 4। सुनो लेस देन इक्वल टू टू बोल रहे हैं ना, मतलब दिस इज व्हाट कैपिटल एफ टू। अब जो बच्चा समझेगा वही बच्चा समझेगा कि भाई अपने को इंटीग्रेट करके दिया हुआ है, अपने को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, खाली वैल्यू पुटिंग करना है अपने को, तो अपने को इसमें खाली वैल्यू पुटिंग करना है। आओ तो क्या होगा, 1 माइनस बोलो 1 प्लस, अरे बोलते ही नहीं हो तुम लोग, हाँ e to the power - 2, और ये वाला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 3 - प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि अपने को चाहिए क्या, तुम लोग मेरे मेरे से जुड़ो, माइंड्स को जोड़ो, अपने को चाहिए क्या मतलब क्या, तुमको बोलना चाहिए था सर 1 से बड़ा चाहिए, फिर वही बात, वो तो हो गया तो 3 से छोटा, पूरा 3 से छोटा ले लिए, अब माइनस क्या कर रहे हैं वो बताओ ना, अपने को चाहिए क्या 1 से बड़ा, तो क्या नहीं चाहिए, गलत, 1 या फिर 1 से छोटा, 2 फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपना गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को गुलाब दो, तुम उसको चॉकलेट दो, तुम उसको कुछ भी दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 4 बार भी सॉरी बोलेगा लेकिन तुम फिर भी बोलता है ना भाई, ये रिप्रेजेंटेशन का बात है, 1 या फिर उससे कम, 1 या फिर उससे कम क्या नहीं चाहिए, 1 या फिर उससे कम, 2 फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखेगा ना कंटिन्यूअस फर्क नहीं पड़ता है, डिस्क्रीट में तो फर्क पड़ता, तो दिस इज व्हाट f3 - f1, समझा, F3 मतलब पूरा बैठा हो 1 - 1 + 3 e to the power - 3 माइनस 1 - 1 + 1 e to the power - 1, सॉल्व कर लो इसको, एंड ग्रेटर देन 4 के लिए क्या लिखेंगे, 1 - प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है इसको सॉल्व कर लो, तो इस पे अपने करेंगे 1 - 1 - 1 + 4 e to the power - 4, यहां तक सबको समझ में आया हाँ कि ना, कल जो लोग का भी कॉलेज नहीं होगा ना, मतलब थोड़ा टाइम के लिए होगा, तो जल्दी आके पढ़ लेना यहाँ पर बैठ के, सुबह से ही आ जाना।
हमको पता है तुम लोग का कान में जू तक नहीं रेंगेगा, बट ठीक है, बोलना मेरा फर्ज है। सर सुबह कितने बजे खुल जाता है? मैं आप कितना बजे सेंटर आ सकते हैं? सुबह 10 तक। उसके पहले ही खुल जाते हैं तो आप 10 बजे आ सकते हैं। ओके। सुनो भैया, ठीक है ना, जो करा देंगे ना, याद रखे नहीं रखे, लेकिन काम जरूर आएगा। पैसा हाफ दिया है कि फुल? बोलो ना, जवाब दो। फुल दिया है ना, तो बस। पहले एसेट होने का बात था दिसंबर में, एज पर पास डेटा, ठीक है। अभी 20 दिन पहले अनाउंसमेंट निकाला है, ठीक है, तो स्टूडेंट हमको बोल रहा है अभी तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ। हम बोला अनाउंसमेंट तो आ जाए, तो इसमें मेरा क्या गलती है? अब जैसे मान लो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अप्रैल के लिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट अचानक से जनवरी कर देगा, तो इसमें मेरा क्या गलती है? लेकिन अब मेरे को मजा आता है इसी में। जैसे रात का 11 बजेगा, ठीक है, तो सोने ही जा रहे होंगे, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, तो बोले ठीक है क्वेरी डाल दो, कल सुबह हो जाएगा। नहीं, हमको अब भी देखना है, आज का रात बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे डाल के रखे 1,500 वीडियो। कोई अगर ऐसे बोलता है ना, बोलता यूट्यूब पे जाके देख लो। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, आगे बढ़े हाँ कि ना, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से। ठीक चलो आओ, एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, तुमको बोला था तुम फुल शर्ट वगैरह कुछ पहन के आओ यार तुम। एक कर दिया, स्मॉल एफ एक्स दिया हुआ है, x/6, एंड एक्स अपने को दिया हुआ है 1, 2, 3। आपको कैपिटल एफ एक्स बनाना है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये DRV है कि CRV है। डिस्क्रीट है भाई, रेंज देख के पता लग रहा है 1, 2, 3। तो जब 1, 2, 3 है, इसका मतलब क्या है? अरे बोलो मुझसे, जब रेंज में ऐसा रहेगा पॉइंट वाइज तो क्या होगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। CDF बनाना है इसका, बना के दिखाओ। चलो चालू करो।
मैं सुन रही थी कि आप इंग्लिश में चले गए तो इंडिकेट करके बैठी हो तो मुझे लगा कि आप पढ़ रहे हैं इंडिकेट करते क्या बात है इंडिकेटर्स का बात कुछ क्या हम कहते क्योंकि पीडीएफ के माइनस कर है और उसके लिए ऐड करने का कहाँ से जबकि जो आपको लिखा होगा
चलो सो बेसिकली अपने को कैपिटल एफ एक्स निकालना है, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं ध्यान देना. सबसे पहले व्हेन एक्स इज लेस देन वन तो उस समय क्या. अच्छा एक सेकेंड सबसे पहले तो इसका पीडीएफ बनाना पड़ेगा. अपने को तो ऐसे दिया हुआ है ना, तो 1/6, 2/6 और 3/6. अब क्या होगा व्हेन एक्स इज लेस देन वन तब जीरो. जैसे ही वन को पकड़ेगा बट टू से कम होगा 1/6. जैसे ही टू को पकड़ेगा बट थ्री से कम होगा 3/6. एंड ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए 1. किसका किसका सही हुआ हाथ उठाओ. यही तो मेन था. अरे भाई हड़बड़ी करके क्या होगा स्टैट्स में, हड़बड़ी नहीं चलेगा स्टैट्स में. सर 2/6 नहीं आना चाहिए. 2/6 2/6 क्यों आएगा बेटा, सीडीएफ है ना, तो सीडीएफ में तो प्लस करते हैं. 1/6 प्लस 2/6 हो जाएगा ना. ओके. बात समझ में आती है. इसी बात के पैसे हैं बेटा. घर पे सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं हम घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है. आज हम कोचिंग नहीं जाएंगे, आज हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. कोचिंग में मस्ती मजाक होता है. ऐसे से बोलता है. एक्स दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स दिया हुआ है. फिर जब एग्जाम जैसे मान लो एग्जाम दे दिया, स्टेजेस इन अ स्टूडेंट लाइफ. पहले जब एडमिशन के टाइम पे हफ्ता में कितना फिजिकल क्लास होगा, डेली क्लास होगा ना, कितने घंटे का क्लास होगा, पूरा आप ही पढ़ाएंगे ना, सारा बुक मिलेगा ना, सब चीज कवर होगा ना. फिर शुरू हम बोले कर लेगा, बोले फाड़ देंगे. ऐसे बोलता है, बोले फाड़ देंगे सर, बस आप देखिए. दो ठो क्लास आएगा, फिर उसके बाद तीसरा चौथा क्लास में नहीं आएगा. हम पूछेंगे क्यों नहीं आया, तो ऐसे ही भैया आज हम घर से कर रहे थे ऑनलाइन क्लास, ठीक है. फिर धीरे धीरे फिर हम बोलेंगे जैसे एक दो महीना हो गया दिखाई नहीं, एकदम गायब हो गया, ठीक है. क्या हुआ भैया, वो कुछ 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 हो गया था, हम रिकॉर्डेड से कर रहे हैं. फिर एग्जाम के लिए जब बुकिंग करेगा, करें कि नहीं करें. सोच रहे अच्छे से पढ़ के अगला अटेम्प्ट दे देंगे. तो बोले ठीक है भाई देख ले, इस टाइम में देगा अभी पढ़ के तो दे देने, तो अगला अटेम्प्ट में दे देना. फिर एग्जाम कैसे ना कैसे करके वो दे देता है. एग्जाम से बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा किया. मन ही मन पता है उसका आंसर किसी के संग मैच किया नहीं है. और फिर जब रिजल्ट आएगा, भैया अब की बार बताइए कि क्या करना है. आप समझ नहीं रहे भैया, अब की बार आप जैसा बोलेंगे वैसे ही करेंगे. एंड फिर सेम चीज रिपीट. इसका हम क्या जवाब दे बताओ. अब तो हम भी ये सब पक गए, उपाय नहीं है. अब मेरा भी ऑटोमेटेड रिप्लाई जाता है एकदम. ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है. क्लास आना चाहिए. जीरो के एक जन लिखा है एक्सक्यूज मी सर, तुम्हारे पहले थोड़ी बोल रहे हैं. डाउट्स कहां लू सर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फोरम अब से यूज नहीं होंगे. बेटा फोरम हैज बिकम द डैशबोर्ड, बट उसमें आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हो. बेसिकली दैट्स द रेप्लिका. Okay, there is some misconception. You can contact the admin team for that. ठीक है? हाँ, हाँ CDF बनाना था. K है, ठीक है. अब इसके बाद में अपने को 1 में 3K है, फिर 2 में 5K है, फिर 3 में 7K है, फिर 4 में 9K है, फिर 5 में 11K है, और फिर 6 में 13K है, ठीक है. ये है अपने को दिया हुआ, दिया ये अपने को दिया हुआ, ये अपने को क्या किया हुआ दिया हुआ. सबसे पहले क्या निकालेंगे तुम लोग को पता ही है, K. सॉल्व करो K के लिए.
एक तीन चार नौ नौ सात सोलह नौ पच्चीस ग्यारह सिक्स फोर्टी नाइन. सो के का वैल्यू हो जाएगा 1/49. बोलो हाँ कि ना. अब इसके बाद में आप लोग निकालना चालू करो प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ये निकालो. क्लासवर्क कॉपी अलग और होमवर्क कॉपी अलग. और जो बच्चा मिक्सिंग कर रहा है कॉपी में उसका मार्क्स भी मिक्सिंग हो जाएगा. फिर एग्जाम के हम बता रहे तुम लोग को. अभी तुम लोग बच्चा है ना. बता इतना इतना सा आता है मेरे पास. इतना छोटा छोटा सा आता है तुम लोग बच्चा लोग. इतना इतना सा आता है तुम लोग. अब फिर एग्जाम के तीन दिन पहले जब समझ में नहीं आएगा ना कहां से रिवाइज करे फिर हमको फोन करेगा. एक भी जन का नंबर नहीं उठाएंगे बस याद रखना क्योंकि पैसा आ चुका है. बात सिर्फ इतनी सी है कि पैसे आ चुके हैं बस. ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में क्या क्या आएगा बताओ. 5 एंड 6 तो 13 और 11 कितना होगा 24/49. ठीक है. इसके बाद में अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी 3 से बड़ा बट 6 या फिर उससे छोटा तो क्या होगा बताओ. 3 से बड़ा है ना तो 4, 5, 6 तो कितना हो जाएगा 33/49. एंड उसके बाद में आएगा प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 4 तो क्या होगा बताओ. हाँ लेस देन 4 में 0, 1, 2, 3 कितना आ रहा है 16/49. आज के क्लास का हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन और करेंगे क्लास को चलो ठीक है. एक आज क्वेश्चन तुम लोग को दे ही देता हूं मैं. ये वाला बना लो. पन्ने तो हो गए हैं खत्म लेकिन इधर में हो जा. चुप रहूं ना. उफ बाबा. बंगाल में जैसे किसी को डिस्टर्ब करता है ना वो उड़ी बाबा ऐसे बोलता है. गवर्नमेंट ऑफिस अगर चला गया ना भाई जैसे टीवी में दिखाता है ना पूरा वैसा ही एकदम. एक तो चप्पल का एड बनाया था उसमें था देखा था. गवर्नमेंट ऑफिस का दिखाता है उसका चप्पल घिस जाता है लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता है. वैसा ही पूरा उसी के लिए बनाया है. y इज ग्रेटर देन 3 कैपिटल एफ आई दिया है 1 - 9/y² क्या दिया है पीडीएफ ना सीडीएफ. CDF दिया हुआ है 1 - 9/y² में मतलब क्या दिया हुआ है. अरे बोलते ही नहीं हो गुस्सा हो गए तुम लोग. बोलो क्या कुछ भूख लग रहा है खाना खाए क्या वो बोलो. 1 - 9/y² मतलब CDF दिया हुआ है. इंटीग्रेट करना है कि हो चुका है. हो चुका है ठीक है. तो अपने को वैल्यू जब निकालना है फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन इक्वल टू 5 तो दिस इज वॉट एफ 5 तो 1 - 9/25 which is 16/25 पहला चीज ये. उसके बाद में प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन 8 1 - f8 तो दिस इज 1 - 9/64 सो दिस इज 9/64. हाँ या ना बोलो. हाँ या ना. ठीक है आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. धन्यवाद क्लास में आने के लिए. कल का जो क्लास है उसमें हम लोग करेंगे. यस बेटा सर आज CM1 में क्या बेटा. दिस इज CS1 क्लास. व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग. तो उसके बाद अभी हम लोग कल CS1 में करेंगे. क्या करेंगे कल हम लोग करेंगे सम्स. बेसिक प्रोबेबिलिटी का सम्स करेंगे और रैंडम वेरिएबल्स का सम करेंगे. कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. कल हम लोग कॉम्प्लेक्स सम्स करेंगे. ठीक है चलो मिलते हैं हम लोग कल 4 बजे.